सेंट्रल ड्यूज कॉलेज अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग का आयोजन शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन मैच सोमवार को वॉलीबॉल ग्राउंड पर खेला गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रोफेसर जे के लाल ने रिबन काटकर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर वॉलीबॉल मैच का शुभारंभ किया। उद्घाटन के पश्चात पहला मैच विधि संकाय और कला संकाय पुरुष वर्ग के बीच खेला गया, जिसमें विधि संकाय ने लगातार दो सेटों में 25-19 और 25-22 अंकों से कला संकाय को पराजित किया। विधि संकाय की तरफ से सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन आशीष राय, मनकेश्वर और नंदू ने किया तथा कला संकाय की तरफ से सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन रोनी और मनीष यादव ने किया। मंगलवार को पहला मैच सुबह 9 बजे पुरुष वर्ग के कला संकाय और विज्ञान संकाय के बीच खेला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जे के लाल ने कहा, आप हमारी सहायता करें, ऐसे ही 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर एज इज द टाइम फॉर फॉर्मल वेलकम सो मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर बीकॉम की सेल टीम के बीच में है। दो बार इस पर टोकन केस किया। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, डॉक्टर जेवियर को और जिलाधीश को उन लोग के एफर्ट के लिए और जिस जील और जिस इंतजाम से उन लोग ने इस टूर्नामेंट को शुरू किया है, मेरी शुभकामना है कि वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो, सफल हो। वॉलीबॉल टूर्नामेंट है तो हमारे यहाँ जितनी फैकल्टीज हैं उन सबके स्टूडेंट्स की टीम बनाई गई है, मिला करके सबका ट्रायल हुआ और उनमें से टीम का सिलेक्शन हुआ है। तो क्योंकि कॉमर्स और केवल बीकॉम है कॉमर्स में हमारे यहाँ और बीएड में ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, इसलिए कॉमर्स और बीएड की एक टीम बनी है, बाकी आर्ट साइंस और लॉ की तीन टीमें ये और एक टीम है वो, तो टोटल 4 टीमें हैं, 4 फैकल्टीज़ का ये टूर्नामेंट हमारा आज शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन सत्र था जिसमें आप लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस टूर्नामेंट के उद्घाटन सत्र को कवर करने के आने के लिए, और मेरा विश्वास है कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा चलेगा और हमारे खिलाड़ी और हमारे दर्शक सभी इसका आनंद लेंगे। खिलाड़ियों में खेल के प्रति जागरूकता और जैसे हमारे राष्ट्र का भी मिशन है फिट इंडिया, ये मिशन चल भी रहा है आजकल, तो हम लोग उसी दिशा में, हालांकि हमारे यहाँ तो हर साल ही इस तरह के टूर्नामेंट्स होते रहते हैं साल भर कुछ न कुछ, अभी हमने क्रिकेट का ख़त्म किया है, इस वक्त वॉलीबॉल का है, आगे भी और टूर्नामेंट्स चलते रहेंगे।